टेलर शॉप कस्टमर डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर गुरु की वेबसाइट पर हमने एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है। टेलर की शॉप को काफ़ी सारी डेटा मैनेज करने पड़ती है, कस्टमर्स के मेजरमेंट्स वगैरह रखने पड़ते हैं। टेलर्स लोग छोटी मोटी इन्वेंट्री भी रखते हैं, जो कस्टमर को सेल करते हैं तो उसका इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, कस्टमर का मेजरमेंट, किसका कितना पैसा आया है, डिलीवरी डेट कब है, कस्टमर ट्रायल लेने कब आने वाला है, वो सब डिटेल ये टेलर सॉफ्टवेयर के अंदर हमने डाला हुआ है। ये सॉफ्टवेयर हमारे सॉफ्टवेयर मेनू में सेल्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, उसमें टेलर सॉफ्टवेयर करके हमने बनाया, वो लिंक के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ये लिंक के ऊपर ले जाएगा, आपको ये पेज ओपन कर देगा। यहाँ पर ये डाउनलोड करके बटन है, इधर ही आपको पूरे वीडियो की डिटेल और सभी फीचर्स और यूजर मैनुअल भी यहाँ पर ही मिलेगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे यूज करते हैं और क्या क्या बेसिक फीचर्स है उसकी मैं आपको डिटेल दे देता हूं। ये मैंने डाउनलोड का बटन दबा दिया, पूरा वीडियो लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, ये गूगल ड्राइव के ऊपर ले जाएगा। यहां पे आपको ये डाउनलोड का बटन प्रेस कर देना है, ऐसा मैसेज आएगा, इसको इग्नोर करो और डाउनलोड एनीवे का बटन प्रेस कर दो। ये देखो ये डाउनलोड हो गया, इसको मैं सेव कर रहा हूं, ये डाउनलोड हो रहा है दोस्तों। ये देखिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, 178 MB का ही सिर्फ ये सेटअप का फाइल है जो डाउनलोड हो जाएगा गूगल ड्राइव के ऊपर से। ये देखो सेटअप डाउनलोड हो गया, मैं इसको ये ओपन करता हूं फोल्डर के अंदर, ये टेलर सॉफ्टवेयर कॉपी कर लेता हूं मैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मैं यहां डेस्कटॉप पर रख के ये फाइल को मैं सेटअप रन कर रहा हूं दोस्तों, डबल क्लिक कर दिया मैंने। ये विंडोज 10 में ऐसा मैसेज आएगा, आपको मोर इन्फो के ऊपर क्लिक करना है और फिर ये रन एनीवे का बटन प्रेस कर देना है। ये सेटअप स्टार्ट हो गया दोस्तों, ये देखो ये प्रोसेसिंग का सिम्बॉल बता रहा है, यस कर दिया हमने। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन बार के ऊपर वेलकम टू टेलर सॉफ्टवेयर सेटअप विजार्ड, नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। बाय डिफॉल्ट ये डी ड्राइव में टेलर सॉफ्टवेयर करके डायरेक्टरी बना देगा। यदि आपके कंप्यूटर में डी ड्राइव नहीं है, सी ड्राइव ही है या ई ड्राइव एफ ड्राइव है, तो आप यहाँ ब्राउज करके दूसरा ड्राइव भी सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो इसको डिफॉल्ट डी ड्राइव में ही रहने दो। नेक्स्ट बटन दबा दिया, यहाँ पे भी टेलर सॉफ्टवेयर आ जाएगा। नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दिया, क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, क्रिएट क्विक लॉन्च आइकन, दोनों को टिक मार्क रहने दो, नेक्स्ट कर दो, इंस्टॉल कर दो। ये देखो अब ये सेटअप फाइल की जरूरत नहीं है, देखो कितना फटाफट इंस्टॉल हो रहा है, शायद मेरे हिसाब से 1.5-2 मिनट भी नहीं लगा होगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। और इस तरीके से ये टाइम आइकन आ जाएगा टेलर सॉफ्टवेयर का, तो मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। ये टिक मार निकाल दीजिए क्योंकि लॉन्च नहीं कर सकते, अभी सपोर्ट सेटअप का इंस्टॉलेशन बाकी है। यहाँ फिनिश कर दिया, अब मैं आइकन के ऊपर ही राइट क्लिक करूंगा और ओपन फाइल लोकेशन दबा दूंगा दोस्तों। तो ये जो सॉफ्टवेयर पूरा फोल्डर इंस्टॉल हुआ है वो पूरा फोल्डर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पर सेटअप करके फोल्डर है, ये इम्पॉर्टेंट है, आप सीधा चालू कर दोगे सॉफ्टवेयर चालू नहीं होगा, आपके विंडोज की सपोर्टिंग फाइल अभी इंस्टॉल होनी बाकी है, वो आपको ये टेलर सॉफ्टवेयर के अंदर या तो आपने सी ड्राइव में डी ड्राइव में जहां पर भी डाला है राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन मारोगे सीधा वहां चला जाएगा। ये टेलर सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर सेटअप फोल्डर है, यहां पर है ये वाला फाइल सपोर्ट सेटअप, और हमारा सपोर्ट लेने के लिए ये टीम व्यूअर है। तो ये सपोर्ट सेटअप को डबल क्लिक कर दे रहा हूं मैं, ये इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये मैंने यस दबा दिया, नेक्स्ट कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसको भी शायद 1-1.5 मिनट से ज्यादा इंस्टॉलेशन टाइम नहीं लगता है, ये DLL फाइलें होती है जो सॉफ्टवेयर रन करने के लिए जरूरी होती है। तो ये सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये आ गया, कभी कभी मैसेज आ जाएगा
स्टॉप करने का तो इग्नोर दबा देना, ये फिनिश बटन प्रेस करना जरूरी है, नहीं तो सॉफ्टवेयर नहीं चालू होगा। मैंने फिनिश कर दिया, बस हो गया, सॉफ्टवेयर आपका स्टार्ट हो गया दोस्तों। अब ये सेटअप फाइल की भी जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं या इसको कहीं पर रख भी सकते हो, यह वेबसाइट के ऊपर हमेशा रहता है। ये हमारा सॉफ्टवेयर आ गया, टेलर सॉफ्टवेयर। अब मैं इसको डबल क्लिक करके स्टार्ट करूंगा, ये देखो स्टार्ट हो गया सॉफ्टवेयर। सिलेक्ट कंपनी, अभी कोई कंपनी नहीं है, मैं क्रिएट कंपनी दबा रहा हूं, मनन स्कॉचर, एड्रेस लिख दो, सिटी लिख दो, स्टेट लिखना जरूरी है और मोबाइल नंबर और हमारा पार्टनर कोड है K9727। क्रिएट कंपनी, बस एड्रेस वगैरह डाल दो, ओके कर दो। ये देखो कंपनी क्रिएट हो गई, डबल क्लिक किया, यूजर नेम में एक डाल दिया, पासवर्ड में भी एक ही है इनिशियली, बाद में आप इसको चेंज कर सकते हो। मैंने लॉगिन कर दिया, ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो आपने देखा कितना इजी है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, कंपनी क्रिएट करना और स्टार्ट करना, मतलब हार्डली 5 मिनट भी नहीं हुए मुझे, ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब मैं सॉफ्टवेयर के जो बेसिक मेन फीचर्स है वो मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए यहां पर से आपको आइटम्स क्रिएट करने हैं, यहां पर से ऑर्डर्स लेने हैं। मैं इसके अंदर एक रेडी टू यूज डेटा है उसको पहले डाल देता हूं ताकि आपको बराबर समझ में आ जाए। तो मैं ये कंपनी को क्लोज कर दूंगा और मैंने ऑलरेडी एक कंपनी बना के रखी हुई है, उसका फोल्डर डेटा फोल्डर में मैंने डाल दिया है, ये रहा मनन स्कॉचर। मैं इसके अंदर लॉगिन करूंगा, 1 1 यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया। ये देखिए आइटम्स के अंदर हमने बना के रखे हुए थोड़े आइटम, जैसे कि ब्लाउज स्टिचिंग आ गया, तो देखो ब्लाउज स्टिचिंग के अंदर मेजरमेंट में क्या लगेगा उसकी डिटेल भी आ गई, उसका क्या चार्जेस लेने वाले हैं वो आ गया, भाई लेडीज ड्रेस को स्टिच करने के लिए क्या चाहिए वो आ गया, भाई मुझे टी शर्ट सेल करनी है तो मैं यहाँ रिक्वायर्ड मेजरमेंट के ऊपर टिक मार्क नहीं करूंगा, तो ये टी शर्ट आ गया। इसका स्टॉक वगैरह डाल सकते हैं आप यहीं पर से। हम एक नया एक सर्विस क्रिएट कर लेते हैं, चलो यहाँ पर ये न्यू सारी स्टिचिंग, ये देखो इसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा वो भी डाल सकते हैं। बड़े टेलर हुए तो वो लोग को सर्विस टैक्स लगता है 18%। सेल प्राइस डाल दिया, भाई ये मैं सारी स्टिचिंग का क्या लेने वाला हूँ, भाई मैं सारी स्टिचिंग का 350 रुपया लूंगा। परचेज रेट आता नहीं, कटिंग रेट ये सब आएगा नहीं, HSN कोड, मेजरिंग रिक्वायर्ड मेजरमेंट, देखो भाई सारी तो मीटर का ही आएगा कि भाई कितने मीटर की सारी आएगी, तो आपको हर एक स्टिचिंग वाइज आप आपके खुद के मेजरिंग पैरामीटर्स बना सकते हो। जब बिलिंग करोगे तो वो ओपन होगा, हम दिखाएंगे आपको, ये मैंने सेव कर दिया। तो इस तरीके से आप कोई भी सर्विस सेव कर सकते हैं और उसको ऐसे डबल क्लिक करके उसको एडिटिंग भी कर सकते हो। अब मैं चला जाता हूं सीधा ऑर्डर के अंदर, ये ट्रांजेक्शन में ऑर्डर है, भाई कस्टमर आया, देखो सबसे पहले तो आज के ऑर्डर का लिस्ट आ गया कि भाई आज टोटल इतने ऑर्डर हो गए हैं 1055, ये टोटल बिल अमाउंट है 1455, कैश 1000 आए, बाकी का 400 कस्टमर्स ने बाकी रखा है। हम न्यू दबाते हैं, एंटर कर दिया, आज की डेट आ गई, मुझे यहाँ कस्टमर का नाम डालना है तो मैं यहाँ प्लस का बटन दबा के कस्टमर का नाम डाल सकता हूँ, रीना रॉय। कस्टमर का एड्रेस डाल दो, कुछ नहीं तो एटलीस्ट मोबाइल नंबर डाल दो क्योंकि फॉलोअप के वक्त ये जरूरी रहता है। ये मैंने सेव कर दिया, रीना रॉय नाम आ गया, सिलेक्ट कर लिया, भाई ये चौथे नंबर का ऑर्डर है, एंटर। रीना रॉय को डिलीवरी कब देनी है, भाई इसको 19 तारीख को डिलीवरी दे देंगे। और रीना रॉय को ट्रायल के लिए कब बुलाना है, भाई मैं 19th को उसको ट्रायल के लिए बुला दूंगा। एंटर कर दिया, देखो यहाँ पे ऑर्डर और सेल दोनों चीज आ जाती है, भाई इसको कोई चीज पसंद आ गई तो सेल भी कर सकते हैं और ऑर्डर कर रहे हैं मतलब कोई चीज स्टिचिंग के लिए दे रहे हैं। एंटर कर दिया। देखो यहाँ ब्लाउज स्टिचिंग आ गया, मैंने सिलेक्ट कर लिया, भाई इसकी हाइट डाल दी, लेंथ डाल दी, वेस्ट डाल दी, आपका जो भी पैरामीटर आपने सेट किया है ये तो मैंने मेरे हिसाब से डाला हुआ है,
इसका स्टाइल क्या रखना है, वी शेप रखना है, डिज़ाइन करना है, राउंड करना है, ये आप स्टाइल भी डाल सकते हो यहाँ पर। एंटर कर दिया। डिस्क्रिप्शन में और कुछ लिखना है भाई, सेम एज सैंपल गिवन, क्वांटिटी भाई 2 ब्लाउज 850 रुपया है भाई। ये कस्टमर हमेशा आता है तो इसको डिस्काउंट अलग से देना है या रेट में कम करके देना है वो भी कर सकते हो। ये 1600 रुपया बन गया दोस्तों भाई। कस्टमर 1600 रुपये में से अभी एडवांस में सिर्फ 400 रुपया दे रहा है, कैश, कार्ड, ई वॉलेट, सब चीज़ें है यहाँ पर। 400 रुपया दिया, ओके कर दिया, यहाँ 1200 रुपया बैलेंस में आ गया। मैं सेव कर रहा हूँ, ऑर्डर एंट्री सेव्ड, ओके, डू यू विश टू प्रिंट, यस दबा दिया। बिल एंड मेजरमेंट स्लिप, बिल पे क्लिक करके मैं प्रीव्यू दबाऊंगा। ये देखो, ये मनन स्कॉचर नाम एड्रेस आ गया। आप यहाँ पर आपका लोगो डाल सकते हो। ब्लाउज स्टिचिंग सेम एज सैंपल गिवन, 2 क्वांटिटी 800 रुपया, GST लगाना है तो वो आ जाएगा। ये भी पूरा कस्टमाइज आप बोलोगे उस तरीके से हो जाता है। 1600 रुपये का ये इनवॉइस बन गया दोस्तों। ये डिलीवरी डेट भी यहाँ पर लिख के आ गई, ऑर्डर डेट भी लिख के आ गया, ट्रायल डेट भी लिख के आ गया। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हो गया। अभी यहाँ पर ये मेजरमेंट स्लिप भी है, देखो कि भाई ये रीना रॉय कस्टमर का जो भी ब्लाउज स्टिचिंग का ऑर्डर लिया है उसमें क्या क्या चीज़ें मेजरमेंट में आएंगी उसकी पूरी डिटेल आ गई। ये प्रिंट निकाल के आप टेलर को दे सकते हो। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों ऑर्डर की। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर बनाना कितना इजी था और यहाँ पर ये डिटेल आ गई। आज के दिन का डे क्लोजिंग हो गया, पूरे महीने का हिसाब हम यहाँ कैलेंडर से देख सकते हैं और इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब होता है टेलरिंग बिजनेस में इम्पोर्टेंट कि भाई ये पेंडिंग ऑर्डर कितने पड़े हैं। तो आज के इतने पेंडिंग ऑर्डर आ गए, देखो ममता कुलकर ने, रागिनी शर्मा, रीना रॉय, 3 के ऑर्डर हमारे पास पेंडिंग है। किसने क्या दिया है वो डिटेल भी यहाँ पर लिख के आती है दोस्तों। तो इस तरीके से देखो ये डिलीवरी अर्जेंट लिख के आ गया, ये हो जाता है, इसका प्रिंट आउट निकल जाता है। फिर आगे चले जाते हैं, यहाँ पर ही हम रिपोर्ट्स में चले जाते हैं, ऑर्डर रजिस्टर। तो ये हमारा ऑर्डर रजिस्टर है। दूसरा रिपोर्ट देखते हैं, कस्टमर स्टेटमेंट। तो यहाँ कस्टमर की पूरी डिटेल आ जाती है कि कौन से कस्टमर के कितने पैसे दिए, कितने बाकी है। रेगुलर कस्टमर आते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब ट्रायल डेट रजिस्टर, ये देखिए दोस्तों भाई, आज 22 तारीख है, मैं 21 कर देता हूँ, मैंने 20 कर दिया, मैंने 19 कर रहा हूँ। ये देखो अलग अलग डेट के हिसाब से आप यहाँ पे डेटा चेक कर सकते हो, ट्रायल डेट, डिलीवरी डेट है कि नहीं। तो यहाँ पर जिस दिन का जो भी डेटा होता है वो आपको दिखाएगा दोस्तों। ये देखिए भाई, किसको डिलीवरी करनी है, किसका ट्रायल करवाना है, वो इसके हिसाब से आ जाता है यहां पर पूरा डेटा, ट्रायल डेट, डिलीवरी डेट। और कस्टमर को वो क्या सप्लाई करना है, उसका मेजरमेंट क्या है, वो भी यहीं पर से दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमको ये डेटा भी मिल जाता है, ट्रायल डेट और डिलीवरी डेट का। इसके बाद हम आगे चले जाते हैं, यहाँ पर ये ऑर्डर रजिस्टर हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया। फिर आगे दूसरा रिपोर्ट देख लेते हैं, डिलीवरी डेट रजिस्टर। ये ही हमने देख लिया, डिलीवरी डेट रजिस्टर, किसको कब डिलीवरी देनी है। इसके बाद आगे चले जाते हैं, ऑर्डर समरी। ये देखिए भाई, ब्लाउज स्टिचिंग के कितने ऑर्डर है, कितने बुकिंग है, लेडीज ड्रेस स्टिचिंग के कितने ऑर्डर है, तो ये भी हमको पता चल जाता है। तो ये ऑर्डर समरी का एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट है। मेजरमेंट रजिस्टर यहां पर आ जाता है कस्टमर्स का, ये देखो तुरंत ही पता चल जाता है हर एक चीज का, हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से अलग मेजरमेंट बनाता है ये सॉफ्टवेयर। कस्टमर की डिटेल आ गई, भाई ममता कुलकर्णी ने, रीना रॉय ने अब तक क्या क्या ऑर्डर किया है, क्या उसका मेजरमेंट है, देखिए, और उसका इमेज भी यहाँ पर हम अटैच करके डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गई
सब सॉफ्टवेयर के सभी रिपोर्ट्स। अब हम एक बिलिंग का भी देख लेते हैं, ऑर्डर में चला गया, न्यू कर दिया, भाई रीना रॉय को हमने बिलिंग कर दे रहे हैं, तो यहाँ ऑर्डर की जगह मैं सिलेक्ट करूँगा सेल। भाई रीना रॉय को टी शर्ट पसंद आ गई तो टी शर्ट ले ली दो, और लेडीज ड्रेस मटेरियल उसने तीन ले लिया, भाई 450 का था, उसके ऊपर टैक्स लगाना था तो टैक्स भी लग गया। देखो अब मैं यहाँ पर ये सेव का बटन दबाऊंगा, ऑर्डर एंट्री सेव, डू यू विश टू प्रिंट, इसका बिल निकल जाएगा, इसके मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। अब मैं स्टॉक दिखाऊंगा आपको, स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट ओके। तो ड्रेस मटेरियल और टी शर्ट जो हमने तीन और दो सेल की, वो दोनों 10 और 50 क्वांटिटी में हमने परचेज डाला हुआ था, तो ये क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे पास आ गया दोस्तों। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर परचेज की एंट्री होती है। यदि आप जीएसटी में हो तो जीएसटी के सभी रिपोर्ट्स, सॉफ्टवेयर GSTR 3B, GSTR 1, GSTR 2, ये सभी रिपोर्ट्स भी सॉफ्टवेयर में बन जाएंगे। फिर पूरा बैंक कैश जर्नल पेमेंट रिसिप्ट एक्सपेंसेस, ये सब अकाउंटिंग के भी पूरे फीचर सॉफ्टवेयर के अंदर डाले हुए हैं दोस्तों। अकाउंटिंग के रिलेटेड रिपोर्ट्स भी सभी बनाए हुए हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस तरीके से ये टेलर शॉप सॉफ्टवेयर आपको एक फुल फ्लेज सॉल्यूशन देता है दोस्तों। तो आप आज ही इसको टेस्ट करो, हमारी वेबसाइट पर जाओ, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पर क्लिक करो और देखो कि ये सॉफ्टवेयर कैसा है, डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के लिए हमने कोई ब्लॉक नहीं रखा है, हम कोई डिटेल नहीं मांगते, आप खुद ही डाउनलोड कर सकते हो और हमने जैसा बताया उसी हिसाब से आप इस सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हो। सभी फीचर्स जो हमने बताए हैं वो आप चेक करो, कुछ आपको लगे कि भाई नहीं मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9727975514। ये नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करो, ऑफिस आवर्स के दौरान हम आपको गाइड करेंगे। इंस्टॉलेशन गाइड हुआ, कोई फीचर का गाइड हुआ, कोई दूसरा कुछ कस्टमाइज आपको करवाना है तो आप हमको पूछ सकते हो। तो इस ये टेलर है उसको ये बहुत काम में लगेगा, तो उसको आप ये वीडियो की लिंक शेयर कर दो दोस्तों। टुगेदर नॉट द सेम। यस, थैंक यू वेरी मच।